वाद विवाद तो पैदा करने का कुछ मकसद नहीं है। नहीं सर, हम जाति धर्म कास्ट क्रीड इसमें बिलीव ही नहीं करते। हमारा फिल्म के अंदर जब सेमिनार शुरू होता है तो हमारे दोनों जो पार्टिसिपेंट हैं वो शुरुआत ही यहाँ से करते हैं। उनका डायलॉग है, भाव्य आई वुड लाइक इफ यू रिमेम्बर द डायलॉग, गुड इवनिंग एवरीवन विदाउट कास्ट क्रीड। सो जो आर्यन खन्ना का स्टार्टिंग डायलॉग है वो ऐसा ही होता है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑफ एवरी वन ऑफ एवरी कास्ट क्रीड एंड रिलीजन। तो हमारा आई थिंक फिल्म का एसेंशियल फर्स्ट डायलॉग ही एड्रेस सबको करता है। हम कास्ट क्रीड और धर्म के डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव ही नहीं करते, हम मनुष्य मात्र से प्रेम की बात करते हैं। But what is the purpose of using faces of Gandhiji and Nelson Mandela? I mean, it's that. Because Gandhiji and Mandela ji ki, abhi jaise maine bataya aapko, Gandhiji and Mandela ji ki jo philosophy of life hai, philosophy of love hai, usse hamare dono character inspired hai. Baki unka connectivity kya hai, iske liye aapko 3 mai ko film ke theater mein aana padega. Main aapko bulaunga. Pyar ke do naam kaun se hain? सर प्यार का ये हो गया है, नामकरण 3 मई को है, पहला होगा एनोरो नाम, उनका नामकरण जो होगा वो 3 मई को होगा, प्यार के दो नाम। लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत खूबसूरत हैं, यूथफुलनेस उनमें है। आप ये पाएंगे कि जो आज के बच्चे आज के यूथ जिस रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं उस रिलेशनशिप की अच्छाइयाँ क्या हैं, उस रिलेशनशिप की कम अच्छाइयाँ क्या हैं, और जो पिछली जनरेशन जिस रिलेशनशिप में बिलीव करती थी उनकी अच्छाइयाँ क्या थी और उनकी कम अच्छाइयाँ क्या थी और इन दोनों में आपस में क्या रिश्ता है। सर गांधी जी और नेल्सन मंडेला अहिंसा परमो धर्म को ज़्यादा मानते थे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे प्यार के दो पर? सर प्यार और अहिंसा एक दूसरे के पूरक है, प्यार के बगैर अहिंसा पूरी नहीं होती, शुरू भी प्यार से होती है खत्म भी प्यार पे होती है, और इसी तरह से प्यार अहिंसा के बगैर अधूरा है। तो आपको जो गांधी जी और मंडेला जी की फिलोसफीज हैं उनके एक्सटेंशन मिलेंगे फिल्म में। एक क्वेश्चन सर ये है कि गांधी जी तो गांधी जब अहिंसा का नारा दे रहे थे लेकिन उसी बात का कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे, वो भी क्रांतिकारी ही थे, उसी देश की बात का भला ही चाहते थे, लेकिन वो कहते थे अहिंसा नहीं चलेगा, हिंसा से आजादी लेंगे, गांधी जी कहते थे अहिंसा। तो फिल्म में भी ऐसा ही कुछ है जो एक पक्ष उसका विरोध करे और एक पक्ष समर्थन करे? नहीं नहीं, हम विरोध मैंने बताया ना कि हमारी फिल्म प्यार ही प्यार है, हमने गांधी जी के जर्नी पे जो प्यार है उस पर बात की है, हमने मंडेला जी की जर्नी में जो प्यार है उस पर बात की है। फिल्म गांधी जी और मंडेला जी पे नहीं है, प्यार की ही बात कर रहे। हाँ प्यार में है, तो अब वो कोई विरोध करेगा उसका या कोई उसका समर्थन करेगा ये देखने के लिए 3 मई तक इंतजार करना पड़ेगा। हेलो अभी बता दो ना, आप नहीं आएंगे मुझे पता है। प्यार की बात चल रही है तो मैं सब आर्टिस्ट लोगों को पूछना चाहूंगा कि उनके जिंदगी में प्यार क्या मायने रखता है। यस वेरी गुड, हेलो सर। सो मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनके लिए प्यार का एक अपना महत्व है, उनके लिए प्यार की परिभाषा है अपने हिसाब से, अपने लिए, किसी और के लिए वो बहुत अलग होती है। स्पेशली मेरे लिए प्यार एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ पार्टनर में नहीं, मैं मेरी मम्मी को भी प्यार करती हूँ, मेरे पापा को भी करती हूँ, मेरे भाई को भी करती हूँ, दोस्तों को भी करती हूँ, अपने सर से भी आप प्यार करती हूँ, सो गुरु से भी आप प्यार करते हैं। तो प्यार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, सेक्रीफाइस, अंडरस्टैंडिंग। सो मेरे लिए प्यार की परिभाषा हर किसी के साथ अलग अलग है और वो ही इम्पोर्टेंट है। शायद मैं एक जैसा प्यार सबसे कैसे कर पाऊँगा, सबके साथ में उनके बॉन्ड, मेरे उनके साथ में कनेक्शन, अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, इसलिए हर किसी का मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंस और उनके लिए मेरा प्यार डिफरेंट है। बट हर किसी में प्यार मेरे लिए रिस्पेक्ट जो है, उनके लिए जो मेरे अंदर भावना है वो सही है, वो प्योर है, तो वो ही मेरे लिए प्यार है। प्यार जो है वन साइड है, अरे सबको पूछा है, सब 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 सब। सर मैं अपने प्यार पे बिलीव करती हूँ कि मेरे लिए प्यार क्या है, एक्सपेक्टेशंस करती हूँ बट
ये नहीं कि वो प्यार करते हैं नहीं करते, मैं अपना पूरा निभाऊंगी आगे उनकी मर्जी। प्यार की बात को पूछा सर, पूछो प्यार की परिभाषा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा मैं बताना चाहूंगी, मैं कुछ लाइनों में बताना चाहूंगी। चलिए, इस साल राजू ने अपने इस मैं से भरी महफिल में मैं हमको कहाँ ढूंढूं, इस मैं से भरी महफिल में मैं हमको कहाँ ढूंढूं, क्योंकि अगर हम मिल गए तो इस मैं को कहाँ ढूंढूं। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं से मिलकर इस हम को पाऊं, मैं को छोड़कर इस हम को पाऊं, या हम को पाकर इस मैं में मिल जाऊं। मैं से हम तक का सफर, मैं से हम तक का सफर, और हम से मैं तक का, अब ये किस तरह जो मैं तोलूं। तो आप ही बताइए, इस मैं से भरी महफिल में मैं हमको कहाँ ढूंढूं। क्या बात, वाह। इसीलिए ये मेरे हिसाब से प्यार के जो दो नाम जो सर कहना चाहते हैं, हाँ, इस जनरेशन में सबको ये जद्दोजहद है कि हम कितना हम रखें और कितना मैं। तो आई थिंक ये फिल्म ये दिखा रही है इस मैं और हम की जद्दोजहद और इसके बैलेंसिंग के बारे में, कि हम कैसे ये जनरेशन इस बैलेंस को लेकर आगे चल सकती है और प्यार करना मुमकिन है उसके साथ। थैंक यू। तो मेरे लिए प्यार की वैल्यू है कि उससे पहले रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ऑब्वियसली हर एक रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद फिर प्यार। और जैसे कायरा ने बोला कि प्यार आप हर एक किसी से करते हैं बट अलग अलग लेवल का होता है, आप अपने पेट्स से भी करते हो, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, एवरीवन। तो प्यार ज़रूरी भी है बट इतना ज़रूरी भी नहीं है कि आप अपने को खोकर किसी और में हमेशा के लिए अपने आप को ढूंढ रहे हैं। यस। और बहुत पहले शाहरुख की फिल्म में बोला गया था, लव इज फ्रेंडशिप, लव इज फ्रेंडशिप, प्यार दोस्ती है। थैंक यू। डीडी एलजी, थैंक यू। मेरा नाम है नमिता और मैं इस फिल्म में प्रोफेसर नजमा सिद्दीकी, एज जावेद दानिश जी ने बोला कि ये जो प्यार इन लोगों का है वो तो बहुत ही काबिले तारीफ है, और इसको देखकर मुझे तो बहुत एनर्जी आती थी जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी। बट हमारा प्यार भी दानिश जी ने एक्सप्लोर कराया है, थोड़ा सा मिडिल एज प्यार वो भी एक्सप्लोर करा है और बहुत अच्छी तरीके से करा है, चाहे वो प्रोफेसर का स्टूडेंट से हो या हस्बैंड के साथ हो। बट मेरी डेफिनेशन में प्यार के बिना ना आप हैं ना मैं हूँ, यूनिवर्स ही प्यार की वजह से है। और इसलिए मुझे दानिश जी की स्क्रिप्ट तो बहुत ही प्यारी लगी है, और इन्होंने प्यार के दो नाम रखे हैं मगर बहुत तरीक़ों से रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर किया, कई नाम को एक्सप्लोर करा है अपनी फिल्म में। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। और मगर सबसे ज़्यादा प्यार जो डेफिनेशन, किसने पूछा था ये क्वेश्चन, आपने पूछा था, सबसे ज़्यादा मैंने खुद से इश्क किया है। सो इसलिए जो एक्सपीरियंस इनके साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शूटिंग का जो एक्सपीरियंस है, वो भी दानिश जी और इतनी लवली कास्ट के साथ, वो मेरे खुद के इश्क में एक और एक चांद की तरह वो एक्सपीरियंस है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर 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 भाभी सर भाभी सर बताइए प्यार के बारे में। मैं नवानी हूँ और मैं माया का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। सो वेल एज एवरीबडी से उसी का संक्षेप में ये है कि ऑफ कोर्स लव इज पहली चीज, रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कई तरीकों से इस फिल्म में भी दर्शाया गया है प्यार के अलग अलग तरीके और रिस्पेक्ट के क्या तरीके हैं, यू नो बहुत अच्छे तरह से जावेद जी ने एक्सप्लोर किया है ऑन एवरी थिंग, ऑन एवरी सीन। और इन्होंने इतना बेहतर लिखा है, इसको कमाल के राइटर है ये तो आप सब जानते ही हैं। सो एक एक जो प्यार को, प्यार के शब्दों को जो एनहांस किया है, वो इनके शब्दों ने यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया है, सो बहुत अच्छे से डिफाइन हुआ है। एंड ऑफ कोर्स एज एवरीबडी सेड कि प्यार आप
हर किसी से करते हैं, बहुत लोगों से करते हैं. मेरा भी यही मानना है दैट इट्स डिफरेंट फॉर ऑल रिलेशनशिप्स एंड ऑफ कोर्स लव इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है. थैंक यू वेरी मच. बेचारे पुरुषों का नंबर भाविया. आई वुड लाइक टू. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून. आई एम भाविया, आल्सो आर्यन खन्ना, जैसा आपने देखा होगा टीजर में. मेरा ये मानना है कि प्यार तो देखिए एक तरफा ही होता है, क्योंकि जो दो तरफा होती है वो तो सिर्फ भगवान की कृपा होती है या खुदा की मेहरबानी होती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि लव फॉर मी इज नथिंग बट सरेंडर. इफ आई एम इन लव विद माय कैरेक्टर, आई हैव टू सरेंडर मायसेल्फ टू द कैरेक्टर. इफ आई एम इन लव विद अ पर्सन, आई हैव टू सरेंडर मायसेल्फ. इफ मी एज एन एक्टर एम इन लव विद द डायरेक्टर, तो आई हैव टू सरेंडर मायसेल्फ. फिर ये जो भी बोले, सही हो गलत हो, जो कि अब तक बहुत ही उम्दा है, वो वैसा ही होता है. सो दैट्स लव फॉर मी. थैंक यू. अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा एक्टर, बहुत अच्छा इंसान. कबीर इन्होंने कैरेक्टर किया और बहुत अच्छे से किया. प्लीज़ वेलकम. थैंक यू सो मच. जैसा कि सर ने मुझे इंट्रोड्यूस करवा दिया है, आई एम अचल टंकवाल एंड आई एम प्लेइंग कैरेक्टर कबीर. सो अभी बहुत सारे डेफिनेशंस प्यार के बारे में हो चुके हैं ऑलरेडी, तो आई विल नॉट गो फिलोसॉफिकल प्यार के बारे में. मैं बस यही कहना चाहूँगा, मेरे लिए प्यार की डेफिनेशन ये है कि जब एक मिडिल क्लास लड़का बम्बई में आता है और एक्टर बनने का ख्वाब देखता है, और जब उसकी पहली फिल्म 3 मई 2024 को रिलीज होती है, तो उसके लिए प्यार की डेफिनेशन ये है कि पूरी ऑडियंस थिएटर में 3 मई 2024 को आकर हमें बहुत सारा प्यार है. बस यही मेरे लिए प्यार. हेलो, पहला सवाल है कितने गाने हैं इसमें? हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ. हमारी फिल्म की जो खास बातें हैं, उन खास बातों में पहली खास बात यह है कि हमने फिल्म शूट, ये पहली फिल्म है जो एंटायरली शूट हुई है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस में. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 150 साल के इतिहास में उन्होंने एक दो फिल्मों को, बहुत फ्यू सीन्स शूट करने की इजाज़त दी. उसके अलावा कोई परमिशन कभी किसी को नहीं मिली. हमारी फिल्म की कहानी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें एक ऐसी लोकेशन चाहिए जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या इंडिया में BHU या MU, ऐसी कुछ हो. हमें लगा कि ये बड़ी वर्जन लोकेशन है और हमारी कहानी में ये, तो हम कामयाब हुए. बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी हम कामयाब हुए एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया. हमने वहाँ फिल्म को शूट किया. फिल्म की दूसरी बड़ी खासियत है फिल्म की कहानी और नैरेटिव, जो बिल्कुल अनोखा, अलग और इंटरेस्टिंग है, जहाँ आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में जैसे करते हैं. तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है फिल्म की, वो है म्यूज़िक. फिल्म का म्यूज़िक बहुत आउटस्टैंडिंग है और फिल्म में टोटल 5 गाने हैं. एक गाना कंपोज किया है शब्बीर अहमद साहब ने और बाकी सारे गाने कंपोज किए हैं हमारे अंजन भट्टाचार्य जी ने. अंजन जी का नाम किसी इंट्रोडक्शन, किसी तार मोहताज नहीं है. उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में म्यूजिक दिया है मीर ब्रदर्स अंजन के नाम से. इनका ट्रियो होता था ये, और ये अकेले काम करते हैं और अकेले भी तीन लोगों से ज़्यादा काम करते हैं. सच्ची बात यह है, बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाए. गाने हमारे गाए हैं, सिंगर्स हैं हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि जावेद अली हैं और रितु पाठक हैं, स्वाति शर्मा, रितु पाठक जलेबी भाई बनी, और स्वाति शर्मा बन्नो तेरा सोएगा जिनका हिट गाना था टिंकू जी. हाँ, तो वो हैं. उसके अलावा राजा हसन हैं, उसके अलावा ये अनुप्रिया जी हैं, इन सब लोगों ने गाने गाए हैं. म्यूजिक अभी हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं मार्केट में, तो जैसे ही म्यूजिक आप सुनेंगे और देखेंगे, तो जैसा आपको टीजर देख के अच्छा लगाए हो, वो उतना ही अच्छा आपको गाने सुन के और देख के लगेगा. तो क्या हेलो टोटल लव स्टोरी है या और एंगल भी है? और एंगल भी है, वो फिल्म में देखना पड़ेगा. बड़े सुंदर, बड़े खूबसूरत एंगल.
ये बिल्कुल लव स्टोरी कुमार गौरव और अमजद खान वाली लव स्टोरी नहीं है. लेट मी टेल यू, ये एक कंप्लीट फिल्म है जिसमें बहुत सी लेयर्स हैं, बहुत से एंगल हैं जो हमारे दिलों को टच करते हैं, लेकिन सबकी बेसिक एसेंस लव है सबका. जैसे कि जब खुदा ने इस दुनिया को बनाया और दुनिया के इंसानों को बनाया, उसका बेसिक एसेंस लव था. उसने प्यार किया अपने बंदों से, इंसानों से. इंसान झगड़ने लगे वो अलग बात है, तो अब अगर उसका प्यार दिखाना है तो ये झगड़ा भी देख के ही प्यार बनाएगा ना. लाइकवाइज बहुत सी लेयर्स हैं फिल्म में. वो जो फिल्म आप देखेंगे तो वो लेयर्स आपको कहीं हंसाएंगी, कहीं गुदगुदाएंगी, कहीं चौंकाएंगी, कहीं रुलाएंगी. एंड फाइनली जब आप बाहर आएंगे तो आप, मुझे उम्मीद कम है कि मुझे गालियां दे रहे होंगे, उम्मीद है कि दुआएं दे रहे होंगे. दिस इज हाउ द फिल्म ग्रोस. जावेद सर का मेरा प्रश्न जी है सर, ये जो पिक्चर आप लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हो प्यार के दो नाम से? हाँ, प्यार के मैसेज कि जैसे मैंने अभी कहा, जवाब दिया कि प्यार जो है वो दुनिया की हर समस्या का हल है. आप अगर किसी से नाराज हैं, किसी से रूठ गए हैं, आप अगर किसी को अच्छा नहीं समझते, आप किसी को बुरा समझते हैं, आप किसी दूसरे धर्म वालों को अच्छा नहीं समझते, किसी दूसरी जात वालों को अच्छा नहीं समझते, पड़ोसी से झगड़ा हो गया है, अपने कलीग से झगड़ा हो गया, ये सारी समस्याएं, ये बहुत सारी समस्याएं नज़र आती हैं, इनका एक हल है और उसका, उस हल का नाम है प्यार. अगर उस प्यार को आपने ठीक से जान लिया, समझ लिया और अपनी ज़िंदगी में उतार लिया, तो आप कोई महात्मा, कोई साधु, कोई फिलोसोफर, कोई साइंटिस्ट या कोई ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसके पीछे पीछे दुनिया अपना घर बार छोड़ के चल पड़ती है महात्मा बुद्ध की तरह. फिल्म में ये इस्तेमाल हुआ है कि जैसे महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, उसी तरह दुनिया के हर बड़े आदमी को कहीं ना कहीं कभी ना कभी निर्वाण की प्राप्ति होती है. तो वो बेसिक एसेंस जो है इस कायनात का, वो लव है. हम उस पर बात करना चाहते हैं. हम ये कहना चाहते हैं कि अपनी फिल्म के ज़रिए से कि हम, आप मुझे खोल रहे हैं और ज़्यादा बोलने के लिए, ये कहना चाहते हैं इस फिल्म के ज़रिए से कि हमने शायद मोहब्बत के मानी, लव के मानी थोड़े से गलत ले लिए. हमारी निगाहों में प्यार का मतलब ये है कि कोई हमारे लिए सोता है, कोई हमारे लिए जागता है, कोई उठता है, कोई केयर करता है, कोई जीने की कसम खाता है, कोई मरने के वादे करता है. हम इसे प्यार समझते हैं. इसे उल्टा करके देखिए एक बार. हम किसी के लिए सोते हैं, किसी के लिए उठते हैं, किसी के लिए जीते हैं, किसी के लिए खाते हैं, किसी के लिए पीते हैं, किसी के लिए मर जाना चाहते हैं. ये भी तो प्यार है. ये प्यार का दूसरा नाम है. ये सेकंड स्टेज है प्यार, यहाँ ढूंढना है. सर दूसरा सवाल आपका है कि पिक्चर में AMU यूनिवर्सिटी पहली शूटिंग हुई है तो किसी को देते नहीं है, तो आपकी दी, आपको दी गई, उसके पीछे उसका कारण क्या? मैं खुद AMU से, आपका बड़ा कारण ये, मैं AMU का प्रोडक्ट हूँ, एलुमनाई हूँ. मेरे डॉक्टर राही मासूम रजा एक बहुत बड़े राइटर थे जिन्होंने महाभारत लिखी. उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब के प्रीफेस में उन्होंने लिखा कि मेरी तीन माएँ हैं. एक वो माँ जिसने मुझे पैदा किया और बचपन में मर गई, जिसकी मुझे शक्ल भी याद नहीं. एक ये गांव, ये देश जिसने मुझे पैदा किया, जिसकी मिट्टी में मैं पला बढ़ा, और एक वो यूनिवर्सिटी जिसने मेरे अंदर के इंसान को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आपके सामने खड़े होकर बोल सकूं. उस तीसरी माँ का नाम है मेरी वो यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. तो वो जो डॉक्टर राही मासूम रजा की माँ है ना, मैं भी उसी का बेटा हूँ. हेलो. अच्छा ऐसा नहीं कि ये फिल्म आने के बाद अब यूनिवर्सिटी में भी एक प्यार का नया कोर्स चालू हो जाए, चैप्टर चालू हो जाए? हम तो क्या रहे हैं, प्यार का तो हर दौर में, देखिए प्यार के कितने रंग हैं. प्यार का एक रंग वो है जो रुक्मणी ने कृष्ण जी से किया, प्यार का दूसरा रंग वो है जो राधा जी ने कृष्ण जी से किया. अच्छा सपोज मान लीजिए एक का क्लास चल रहा है और प्यार का ही सब्जेक्ट चल रहा है, तो उसमें जो प्रोफेसर आएंगे वो लेक्चर कैसे शुरू करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे शुरू करेंगे जैसे एक पिता अपने बच्चों को समझाना शुरू करता है, और एक पिता अपने बच्चों से कहता है कि मेरे बच्चों याद रखना कि जिस जब तक मैं तुम्हारे सपनों में आता हूँ और सपनों में आके तुम्हें अच्छा और बुरा बताता हूँ, वो इसलिए है क्योंकि तुम मुझे प्यार करते हो. थैंक यू. जैसे आप अभी यहाँ पर अपने आप को पेश कर रहे हो, उर्दू का आपने बहुत डायलॉग्स यूज किए, आपके पोस्टर ने अच्छे शायरी यूज किए,
क्या मैं उसी तरह के लव्स पिक्चर में सुनने जा रहा हूँ हीरोइन से मिलेंगे आपके आपको फिल्म में हीरो हीरोइन और तमाम स्टार कास्ट से वो सुंदर भाषा सुनने को मिलेगी जिसे हम हिंदुस्तानी कहते हैं जिसमें हिंदी थोड़ी सी हिंदी होती है थोड़ी सी उर्दू होती है और थोड़ी सी पंजाबी होती है थोड़ी सी और दूसरी जबानें होती हैं हम हिंदुस्तान के रहने आपको मैं चाह ये बताऊं कि ये जो उर्दू जबान है ये हिंदुस्तान में पैदा हुई और इस उर्दू जबान का उर्दू जबान नाम पढ़ने से पहले क्या नाम था इसका नाम था हिंदवी आप गूगल पर हिंदवी डाल के देखिएगा तो आपको पता चलेगा इसका नाम था हिंदवी यानी हिंदुस्तान ये आपको ये जान के हैरत होगी कि उर्दू जबान जो है उसमें 82% वोकैबुलरी इंडिया की अलग अलग भाषाओं में से है मराठी से लेके बंगाली तक संस्कृत से लेके पंजाबी तक तो वो है तो ये सारी जबानें आपको की जो चाशनी है वो आपको हमारे फिल्म में सुन रही है म्यूजिक का क्या है कि म्यूजिक बन गया है कुछ गाने बन जाते हैं और हम लोगों ने कुछ सोचा भी नहीं था हर गाने में मैंने इनसे कहा कि इस तरह का मूड हो कि ये लिखते थे और मैं कंपोज करता था और वन शॉट में हर गाने अप्रूव हुए हैं तो मेरे बैंक में काफ़ी गाने थे इन्होंने कभी पूछा भी नहीं कि अंजन वो आप बैंक से कोई गाने आप सुनाओ हम लोग ने सब गाने नए बनाए बैठ के जैसे पहले गाने बना करते थे वैसे बैठ के हम लोग ने ट्यून बनाई वैसे लिखी गई वैसे सिंगर्स ने गाए ओवरऑल बहुत अच्छे गाने बने हैं हमने कोशिश की है और आप लोग तक आएंगे तो आप लोग सुने और आप उनको पसंद करें यही चाहता हूँ थैंक यू वेरी मच